नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और भयानक खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस वक्त राजस्थान के लगभग 10 जिलों में भयंकर ओलावृष्टि हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, चने के आकार से भी मोटे आकार के दोस्तों ओले पड़े हैं, और सबसे ज़्यादा उदयपुर, नागौर और दोस्तों जो कुंभलगढ़ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि दर्ज की गई है। दोस्तों आपको बता दें, इन 3 जिलों में दोस्तों जो ओलों से चादर बिछ गई है, वहीं दोस्तों ओलावृष्टि ने इस साल 60 सालों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। राजस्थान के कई इलाकों में बदले मौसम के कारण दोस्तों पिछले 24 घंटों में राजसमंद के कुंभलगढ़ में जबरदस्त ओलावृष्टि देखने को मिली है। इस ओलावृष्टि ने कुंभलगढ़ में बीते 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुंभलगढ़ में इस कदर ओलावृष्टि हुई कि पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई। ओलावृष्टि के बाद कुंभलगढ़ का नज़ारा शिमला और कुल्लू मनाली जैसा हो लगने लगा। करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। मौसम आए इस बदलाव के कारण राजधानी जयपुर समेत अन्य कई जिलों में भी बारिश दर्ज की गई है। इससे एक बार फिर से गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। राजसमंद के कुंभलगढ़ में दोपहर 3 बजे बाद अचानक मौसम बदला और बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी और ओले गिरने लगी। ओलों के कारण कुंभलगढ़ का किले में सफेद चादर बिछ गई। कुंभलगढ़ घूमने आए सैलानियों ने जब ओलावृष्टि देखी तो वे काफी प्रसन्न नजर आई। वहीं दोस्तों आपको बता दें, कुंभलगढ़ के साथ ही राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर फसलों की नुकसान की संभावना जताई गई है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कुछ गाँव में ही ओले गिरने की वैसे जानकारी मिली है। इससे खेतों में सरसों, गेहूं और चने की कटी हुई फसल को नुकसान हो सकता है। नमी के कारण गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। वहीं आपको बता दें, सर्वाधिक जो प्रतापगढ़ है दोस्तों, यहां पर 56 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पाली, नागौर, अजमेर, प्रतापगढ़, राजसमंद, जोधपुर के पूर्वी भागों में थंडर स्टर्म के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि दर्ज हुई है। दोस्तों आपको बता दें, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में दोस्तों फिर से भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, भरतपुर संभाग में मेघ गर्जना के साथ दोस्तों बारिश होने की संभावना सबसे ज्यादा बताई गई है। मौसम से संबंधित सारी अपडेट पाने के लिए अभी ही चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, तथा कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।